आज ये जड़ी बूटी दिवस के रूप में हम इस दिन को याद करते हैं। हमारे लिए आज का दिन कोई उत्सव का दिन नहीं, हमारे लिए आज का दिन सही माने तो रिपोर्टिंग का दिन होता है। हम प्रयास करते हैं कि साल भर के काम को कभी ना कभी देश के सामने, हम यूं तो हर दिन परीक्षा होती है, हर दिन रिजल्ट आउट होता है। हमारा जीवन श्रद्धेय स्वामी जी को देखिए, मैं ये देखता हूँ, कई बार मैं सोचता हूँ, मैं सभी लोगों को, अपने सन्यासी ब्रह्मचारियों को यही बोलता हूँ कि कोई व्यक्ति, हमको तो नहीं लगता है कि पूज्य स्वामी जी को छोड़कर कि किसी के जीवन में इतनी ज्यादा निरंतरता हो, क्योंकि किसी कार्य को करके आदमी कभी तो थकता होगा, कभी तो वह उब जाता होगा, कभी तो मन करता होगा कि आज सो ले, कभी तो मन करता होगा आज छोड़ ले। तो यहाँ पर एक निरंतरता है, गति है, दृढ़ता है, और उस दृढ़ता को धरातल पर उतारने का परमात्मा की कृपा से सामर्थ्य भी है। तो ऐसे सामर्थ्यशील मेरे अग्रज, मेरे वरिष्ठ, मेरे भ्राता, मेरे लिए मेरे अभिभावक भी हैं, गुरुतुल्य भी हैं, मित्र भी हैं, जितने भी संसार के सर्वोत्तम संबंधों का उदाहरण हो सकता है वो सारे हैं ऐसे श्रद्धेय स्वामी जी को मैं वंदन करता हूँ। आज जितनी भी चीज़ें होंगी आप सब देख रहे हैं, देशवासी भी तीन दिन से देख रहे हैं, पूज्य हमारे वरिष्ठ चिकित्सक गण और बाकी विद्वज्जनों ने बहुत सारी प्रस्तुतियाँ दी, तो आज भी इसका विमोचन विधिवत लोकार्पण होगा। तो ये सारे कार्य वो कोई मैंने कुछ किया है नहीं, बात यही है, श्रद्धेय स्वामी जी ने कभी अब तक भी नहीं पूछा, मैंने भी नहीं पूछा कि इतनी किताबों को बनाने में कितने पैसे खर्च किए होंगे, छपाने में कितने लगे होंगे। महाराज जी ने पूछा नहीं, मैंने भी बताया ही नहीं, क्योंकि बताऊंगा तो फिर वैसे आप लोगों से ही ले लेंगे, महाराज जी मुझे पक्का पता है। तो सृजन के लिए शक्ति लगती है, तो शक्ति के साथ में साधन भी बहुत लगता है। 500 से अधिक वैज्ञानिक, लेखक, तो, विद्वान इस कार्य में लगे, उनका भी अभिनंदन है। लगातार लगने वालों की संख्या 500 है, टोटल संख्या महाराज जी 900 है, 400 तो ऐसे हैं जो आती जाती रही पीढ़ी, तो कई पीढ़ियां गई, कई पीढ़ियां आई, कुछ पीढ़ियां निरंतर जुड़ी रही, तो यह इतना सृजन हो पाया। और ये एक बहाना भी है, जैसे मैंने कहा, एक रिपोर्टिंग कार्ड प्रस्तुत करने का, इसीलिए जिसको ऐसे रिपोर्टिंग कार्ड प्रस्तुत करने हो तो जन्मदिन मना लेना, नहीं तो महाराज जी ने मना कर रखा, बोले जन्म मरण तो हर रोज होता है। और ये मैंने महाराज जी को कहा, मैंने कहा हमारा नहीं, पतंजलि का जन्मदिन, बोले पतंजलि का कैसे हो जाएगा, वैसे महाराज जी पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन का भी आज ही जन्मदिन है, इसीलिए ये पतंजलि के, ये अनुसंधान के सब कार्यों का जन्मदिन है। तो चाहे पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन का स्थापना दिवस मना लो, चाहे जड़ी बूटी दिवस मना लो, 4 अगस्त तो मनेगा। अब भारतीय शिक्षा बोर्ड का, शिक्षा बोर्ड का भी आज ही हो, कल शाम को तो आज ही है जन्मदिन, वर्किंग डे आज का ही, भारतीय शिक्षा बोर्ड का जन्म भी आज ही हुआ है। तो इसके लिए हमारा, हम तो अपना भी आज ही मना लेंगे, सब अपना अपना आज ही मना लो भाई। हाँ, हम भी मना ले, इसमें क्या है भाई, तिलक तिलक तो हमको भी कर ही दिया गया। तो पूज्य स्वामी जी, मैं आज आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी को भी बहुत इस विषय के लिए धन्यवाद करता हूँ, कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, क्योंकि ये जटिल और दुरूह कार्य था जो विगत 75 वर्षों में नहीं हुआ, आज़ादी के इस अमृत महोत्सव के पावन वर्ष में शिक्षा का एक अमृत, शिक्षा की आज़ादी, शिक्षा का अमृत सब देशवासियों को पिलाने के लिए जो घड़ा भरकर श्रद्धेय स्वामी जी को सौंप दिया है, उसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से पूरा देश कृतज्ञ है। उन्होंने बहुत सारे ऐतिहासिक काम किए हैं, इतिहास रचा है, यह एक और ऐसा इतिहास उन्होंने रच दिया है
जो युगों युगों तक स्मरण किया जाएगा उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। शिक्षा की गुलामी से बाहर निकालना। हाँ, तो एक दूसरी चीज, आज जड़ी बूटी दिवस, हम भी प्रतिदिन पिछले 15-20 दिन से हमारा टारगेट था कि हम 50,000 पौधे पतंजलि के माध्यम से लगाएं। महाराज जी, लगभग 30,000 पौधे हम लगा चुके हैं। अभी थोड़ी बरसात का मौसम है, 20,000 पूरा करेंगे। पूरा करने के लिए एक दो दिन के लिए सभी ब्रह्मचारी सन्यासियों की यात्रा, सुबह सुबह बस भर के जाएंगे, जंगल से रात को ले आएंगे। तो एक बड़ा हर्बल वर्ल्ड का काम हम कर रहे हैं। यूँ तो अभी मध्यान्ह को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गवर्नर साहब सब यहाँ पर होंगे, तो मुख्यमंत्री जी का इस बात के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। वैसे तो वो भी अच्छे अच्छे काम करते हैं कि हर्बल वर्ल्ड एक जो बड़ा कॉन्सेप्ट था, उन्होंने उत्तराखंड की जो कैसरीन जमीन होती है, जो बंजर पड़ी हुई जंगल सी जमीन होती है, उन्होंने देने की सहमति देकर की प्रक्रिया भी पूरी कर दी है। तो ही हम दक्षा बैठे हैं, तो ही हम पेड़ लगा पा रहे हैं, क्योंकि जो हजारों का पेड़ लगाना हो तो जगह भी बड़ी चाहिए। तो उस जमीन को सजाने का काम हम सब कर रहे हैं और हम और जाकर के करेंगे। और दुनिया का एक अद्भुत हर्बल गार्डन, महाराज जी अगले साल का टारगेट है, वर्ष तो हर रोज आएगा, हर साल आएगा। तो हम चाहते हैं कि जब हम एक वर्ष और हो जाएं, तब तक हमारा वर्ल्ड हर्बल गार्डन जो है, हर्बल वर्ल्ड हमारा तैयार हो, क्योंकि ग्रंथ तो तैयार हो गए। तो लोग कहते हैं कि ये पौधे कहाँ दिखेंगे, ये जिम्मेदारी भी हमारी है, तो हम उसको निभाएंगे। पौधे कहेंगे जी किताब तो लाइब्रेरी में दिखेंगे, पौधे जंगल में हम दिखा देंगे। तो यह लक्ष्य है, इसके लिए बड़ा काम हो रहा है। और आज विशेष निवेदन, मैं पूरे देशवासियों से आह्वान करता हूँ कि बरसात का वैसे ही मौसम है, तो जड़ी बूटियाँ जरूर लगाइए। आज संकल्प लें तो हर व्यक्ति जो भी लगा सकता है, आपके पास ज्यादा जगह नहीं है तो अभी देखिए इतने पौधे जो आपके घर में आंगन में लग सकते हैं, चाहे वो पत्थर चट्टा है, सदाबहार है, एलोवेरा है, भूमि आंवला है, तुलसी है, एलोवेरा है, ना ये हमारा जो है ना ये इसको दमबेल है, एलोवेरा गिलोय है, और अमरूद भी है, यहाँ तो वो भी लग रहे हैं, सब फलदार वृक्ष पे लगाए, सब अद्भुत अद्भुत आंवले वगैरह भी लग रहे हैं, सहजना भी लग रहा, शतावर भी है। तो जड़ी बूटियां देखिए क्या अद्भुत लगे हुए हैं चारों तरफ। तो इनमें से देखिए जड़ी बूटियां ना देखने से भी बहुत लाभ होता है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, और ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, और वर्ल्ड वाइज रिसर्च हो चुका है। तो जड़ी बूटियां देखने में प्रसन्नता देती हैं, खाने से स्वास्थ्य देती हैं। तो अपनी प्रसन्नता के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए आप जरूर जड़ी बूटियों का आश्रय लें, जड़ी बूटियां लगाइए, पर्यावरण के संरक्षण करिए, पर्यावरण की दिव्यता को बढ़ाइए, मेरा विनम्र निवेदन है। इसके अतिरिक्त आज तो देखो हम प्रतिवर्ष नहीं, वर्ष में प्रयास करते हैं कई बार ब्लड डोनेशन हो। इधर भी आप देख रहे हैं जिनको चश्मा वगैरह चेक करानी हो, आंखें चेक करानी हो, चश्मा चाहिए हो, आप चश्मा ले सकते हैं सभी लोग। और इसके अलावा ब्लड डोनेशन के लिए भी जो हमारे जैसे तगड़े तगड़े हैं सब ब्लड डोनेट कर सकते हैं। यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ है, हम भी अभी रक्तदान करेंगे। तो रक्तदान, वृक्ष जड़ी बूटियों का रोपण, ये दूसरे के लिए सुख देने के लिए है, दूसरे जीवन को उन्नत बनाने के लिए है। इन सब कार्यों को हम प्राथमिकता दें। इतना कहता हूँ, मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, और जितने भी हमारे जो स्वास्थ्य साधक हैं, जो स्वास्थ्य के लिए आए हुए भाई बहन हैं, जो अपने चिकित्सा की दृष्टि से जिनका दिन भर का रूटीन है वो करते रहिए, पर जिन जिन की रूटीन में थोड़ी स्फुर्सत मिले, अभी 10:30 बजे से यहाँ पूरा प्रोग्राम चलता रहेगा, आप सब भी आनंद लीजिए, क्योंकि पतंजलि आपका है, सदैव स्वामी जी आपके हैं, तो हम भी आपके ही हैं। आप स्वस्थ हों, निरोग हों, आपके जीवन में खुशहाली आए, भगवान से यही प्रार्थना, और आप सबकी शुभकामनाएं हमारी शक्ति है, हमारी ऊर्जा है। तो जिन जिन भाई बंधुओं ने शुभकामनाएं प्रेषित की प्रत्यक्ष रूप में, डिजिटल मीडिया के माध्यम से, आकाश मार्ग से, भावनाओं से, संवेदनाओं से, सबका प्रणाम, नमन, वंदन, और बाकी आप सबकी शुभकामनाओं से
जितना भी हो सकेगा हम अच्छा करने का प्रयास करेंगे। ओम।